आगे बीकानेर इन दिनों मौसमी बीमारियों का घर बना हुआ है। शहर के भीतरी इलाकों में करीब करीब हर घर में एक मरीज है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिला चिकित्सा प्रशासन अभी तक लापरवाह बना हुआ है। बीकानेर के लोगों को इन दिनों मौसमी बीमारियों के साथ स्वाइन फ्लू और डेंगू का डंक सता रहा है। स्वाइन फ्लू ने अब तक 8 लोगों की जान ले ली है, वहीं डेंगू के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जिला चिकित्सा विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भाजपा के जनप्रतिनिधि भी दबी जुबान में कह चुके हैं कि फॉगिंग के लिए भी बार बार कहना पड़ता है। वहीं कांग्रेस ने बढ़ रही बीमारियों की रोकथाम को लेकर प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। कांग्रेस ने इसके लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। शहर के अंदर बुरे हालात है, हर घर, हर मोहल्ला, हर गली के अंदर एक परिवार के कम से कम 2-3 आदमी मौसमी बीमारियों से पीड़ित है। किसी को डेंगू है, किसी को स्वाइन फ्लू है, और लगातार प्रशासन से बात करने के बावजूद भी रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। जिला चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते पीबीएम अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ जांच के लिए मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगती है। वहीं मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर परमेंद्र सिरोही का कहना है कि मरीजों की संख्या को देखते हुए सावधानी बढ़ती जा रही है। 30,000 से कम प्लेटलेट्स वालों को तुरंत प्लेटलेट्स देने की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर्स वार्ड का राउंड भी समय समय पर ले रही है। डेंगू के लक्षणों की बात करें तो मरीज को तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, मरीज का पाचन तंत्र बिगड़ता है और 2 दिन बाद उल्टी पेट दर्द की शिकायत होती है। वहीं डेंगू से बचाव की बात करें तो खासतौर पर दिन में मच्छरों से बचें, मच्छर भगाने के उपाय करें, डेंगू के लक्षण नजर आने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह दें, नियमित प्लेटलेट्स की जांच करवाएं और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें। जिस भी पेशेंट की कोई प्लेटलेट की कमी होती है, अगर 30,000 से कम होते हैं तो उसको ब्लीडिंग की संभावना रहती है, तो उसको यहाँ ब्लड बैंक से फ्री प्लेटलेट दिए जाते हैं। जिस पेशेंट की जितनी जरूरत होती है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, जैसे हम जरूरत होती है उनको वहाँ सूचित कर देते हैं, तो वो हमें फ्री वो अवेलेबल कराते हैं और उसको हम चढ़ा देते हैं पेशेंट। अस्पताल प्रशासन 39 लोगों के डेंगू की आधिकारिक पुष्टि कर रहा है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों में डेंगू के लक्षण नजर आ रहे हैं। हालांकि CMHO दावे कर रहे हैं कि फॉलोअप एक्टिविटी की जा रही है। बीकानेर में मौसमी बीमारियां लगातार पांव पसार रही हैं। डेंगू का डंक लोगों को सता रहा है, लेकिन जिला चिकित्सा प्रशासन बेपरवाह बना है। आज कांग्रेसियों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। उम्मीद करें CMHO की नींद टूटेगी। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, जी मीडिया, बीकानेर।